हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही परवल या दही पोटल। ये बहुत ही ईजी है बनाना, बहुत चटपटी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दही पोटल या दही परवल बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम परवल, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको पतले लंबे स्लाइसेस में काटा है, आधी इंच अदरक को छोटे टुकड़ों में काटा है, 5 से 6 लहसुन लिए हैं, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक कप गाढ़ी दही। कुकिंग करने के लिए रिफाइंड तेल का यूज़ किया मैंने। चॉप किया हुआ धनिया पत्ता आधा कप। पहले हम प्याज अदरक और लहसुन को पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे, तो हम इसको पहले एक जार में डालकर पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। पहले हम परवल को पील करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर की जो स्किन है डार्क ग्रीन कलर की, उसको हल्के हल्के चाकू से पील कर लें। इस तरह से, इससे ज़्यादा इसको पील नहीं करना है। ये देखिए पील करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से एक बार धो लिया है। अभी इसको हम काटेंगे। इसको इस तरह से काटें, एक साइड से ऐसे क्रॉस करके काटें, इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इस तरह से क्रॉस करके काटेंगे, इस तरह से। इसी तरह सारे परवल काट लेंगे। फिर हम परवल में हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको हाथों से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। हम 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। फिर गरम तेल में हम एक एक करके परवल रखेंगे। परवल को हमें सैलो फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में। ये देखिए परवल काफ़ी क्रिस्पी लग रही है। इसको इसी तरह लो मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक हमें फ्राई करनी है। ये अच्छी तरह से अभी फ्राई हो गए हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल से हम करी बना लेंगे। तो बचे हुए तेल में हम अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था हमने वो डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें 2 मिनट तक ड्राई होने तक भुनना है। इसको हम बार बार चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे से चिपके नहीं। ये देखिए मसाला अभी काफ़ी ड्राई हो चुका है। इसमें एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला भी काफ़ी भुन चुका है, ड्राई हो गया है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। मैं करीब इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ग्रेवी में उबाल आने तक वेट करेंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अभी इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें फ्राई किया हुआ परवल डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी लीड लगाकर इसको 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार खोल के चेक करेंगे।
ये देखिए परवल अभी काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं, अच्छी तरह से पक गए हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे हम, क्योंकि अभी हमें दही ऐड करनी है। दही ऐड करने से पहले गैस का फ्लेम लो कर लें, फिर दही ऐड करें। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही को ग्रेवी के साथ, और इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, परवल को बीच बीच में मैं ऐसे पलटा रही हूँ ताकि ग्रेवी अच्छे तरह से परवल के अंदर जाए। ये देखिए काफ़ी ड्राई हो गई है। अब इसमें धनिया पत्ता डालकर एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे, अभी हम इसको सर्व कर सकते हैं।